हेलो एवरीवन, आज रॉक मैकेनिक्स में हम इंसिटू टेस्ट फॉर डिफॉर्मेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। हम फिल टेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, राइट? फिल टेस्ट में हमने कल डायरेक्ट शियर टेस्ट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम प्लेट लोड टेस्ट पढ़ेंगे फॉर व्हाट? डिफॉर्मेबिलिटी। डिफॉर्मेबिलिटी को हम मॉडुलस ऑफ डिफॉर्मेबिलिटी से डिफाइन करते हैं, राइट? ये हमारा एक फैक्टर होता है जिससे हम कितनी उस रॉक मास में डिफॉर्मेशन आए हैं इन्हें चेक करते हैं। डिफॉर्मेबिलिटी क्या होता है कि जैसे हमारा कोई लार्ज रॉक मास है, उसके अंदर हमें कोई टनल या कैविटी एक्सकेवेट करनी है। तो जब इस तरह से टनल या कैविटी एक्सकेवेट करते हैं तो उसके पेरीफेरी या सराउंडिंग रॉक्स जो होती है उसमें क्या होता है, स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है, राइट? स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। स्ट्रेस रिलीफ का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू कितनी है, जीरो, और यहाँ पर सिग्मा की कुछ वैल्यू रहेगी और कुछ यहाँ पर आके इसकी फुल कन्फाइंड रॉक मास मिल जाएगा। इससे क्या है कि स्ट्रेस वेरिएशन के कारण ये जो रॉक है, सराउंडिंग रॉक, वो क्या हो जाएगी, लूज होने के बाद ये इस कैविटी की तरफ मोबिलाइज हो जाएगी, राइट? जब ये इस कैविटी या टनल की वैक्यूम की तरफ या कैविटी की तरफ मोबिलाइज होती है तो उससे क्या होता है कि इसमें डायलेशन आता है, डायलेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है। इसी डिफॉर्मेशन या डिस्प्लेसमेंट को हम मेज़र करते हैं, राइट, विद यूजिंग मॉडुलस ऑफ डिफॉर्मेशन। इसे फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे, अभी प्लेट लोड टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, राइट? प्लेट लोड टेस्ट के बारे में हम ये जो टेस्ट करते हैं वो किस लिए करते हैं, टू असेस द एक्सपेक्टेड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग एक्सकेवेशन एंड सब्सिक्वेंट मॉनिटरिंग टू चेक स्टेबिलिटी, राइट? एंड सेकेंड, टू इवेल्युएट द करेक्ट डिजाइन ऑफ द रॉक सपोर्ट मेजर्स। इट मस्ट बी एबल टू अकोमोडेट एक्सपेक्टेड डिफॉर्मेशन विदाउट फेलियर। मतलब है कि हमें अगर कितना स्ट्रेस रिलीफ हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ के पार्टिकल्स का इनर वर्ल्ड में या फिर वैक्यूम की तरफ या कैविटी की तरफ, ये अगर हमें पता है तो हमें अगर यहाँ पे जो ये रॉक मास है इस सरफेस के चारों तरफ अगर वो ज़्यादा ही वेदर्ड या डिस्टर्ब्ड है तो हमें यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराना पड़ेगा एज अ शॉर्टक्रीट या रॉक बॉल की तरफ से कि जैसा, तो वो हमें क्या है कि ज़्यादा प्रोवाइड कराना पड़ेगा। मतलब शॉर्टक्रीट की जो थिकनेस है वो क्या बढ़ जाएगी, क्या होगी, बढ़ जाएगी। रॉक बॉल्स की जो स्पेसिंग है ये क्या हो जाएगी, घट जाएगी, अगर हमारा जो रॉक मास है वो ज़्यादा ही फ्रैक्चर्ड हो चुका हो तो, राइट? इस तरह से हम डिफॉर्मेबिलिटी को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले प्लेट लोड टेस्ट करते हैं। प्लेट लोड टेस्ट में हम असेंबली सेट करते हैं। असेंबली कैसी होती है, यहाँ स्कीमेटिक डायग्राम में बताया हुआ है, स्कीमेटिक डायग्राम में। जैसे ये हमारा रॉक मास है, रॉक मास के अंदर हम एक बरो पिट एक्सकेवेट करते हैं, राइट? इस पीट के अंदर यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, स्टील प्लेट को सेट करते हैं। इस स्टील प्लेट की जो डायामीटर होता है वो 600 mm, 450 mm, 300 mm एज पर रिक्वायरमेंट हम यूज़ करते हैं, और इस प्लेट की थिकनेस जो होती है वो लगभग 30 mm के आसपास रहती है। फिर इसके ऊपर हाइड्रोलिक जैक पुट किया जाता है ताकि हम कॉन्स्टेंट स्ट्रेस मेंटेन कर सकें। फिर यहाँ पे स्टील बीम्स की एक असेंबली होती है फ्रेम टाइप में, कुछ इस तरह से ओरिजोनटल और वर्टिकल, राइट? और उसके ऊपर हम स्टेबल और स्टैटिक लोड पुट करते हैं एज अ कॉन्क्रीट क्यूब। कॉन्क्रीट क्यूब इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास यूनिट कॉन्क्रीट का जो वेट होता है क्यूब का वो सिमिलर रहे, हम ताकि काउंट करके ही बता सके कि इस पर कितना वेट हम अप्लाई कर रहे हैं। फिर क्या है कि इसके ऊपर लोड इंक्रीज करते जाते, P1 लोड लगाया, P1 लोड के कारण इसमें कितना सेटलमेंट हुआ डेल्टा 1 का, ये हम फाइंड आउट करेंगे। फिर क्या करेंगे, P2 लोड को रिलीफ करेंगे, P1 लोड को रिलीफ करेंगे, फिर फाइंड आउट करेंगे कि डेल्टा 1 डैश कितना सेटलमेंट होगा। फिर हम रीलोड करेंगे P1 से ज़्यादा P2 लोड को, फिर उसके करस्पॉन्डिंग हम डेल्टा 2 डिस्प्लेसमेंट या डेल्टा 2 डिफॉर्मेशंस फाइंड आउट करेंगे, राइट? फिर इस P2 लोड को रिलीफ करेंगे तो हमारे पास डेल्टा 2 डैश डिस्प्लेसमेंट आएगा या फिर सेटलमेंट आएगा, राइट? उस तरह से हम साइक्लिक लोड पे इस टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे लोड डिफॉर्मेशन कर्व कैसा बनता है, और इस लोड डिफॉर्मेशन कर्व का जो स्लोप होता है वही हमारा जो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ डिफॉर्मेबिलिटी कहलाता है, राइट? इससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो रॉक मास है वो हाईली फ्रैक्चर्ड हुआ है या फिर इंटेक्टनेस उसमें अभी भी है, राइट? जैसे हम अगर लोड डिफॉर्मेबिलिटी कर्व बनाते हैं, लोड डिफॉर्मेबिलिटी कर्व बनाते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे क्या हो गया, लोड हो गया और यहाँ पे
डिस्प्लेसमेंट या सेटलमेंट हो गया, ओके, डिस्प्लेसमेंट और सेटलमेंट, राइट। तो इनिशियल पी वन लोड लगाया तो पी वन लोड के करस्पॉन्डिंग कुछ डेल्टा वन डिस्प्लेसमेंट आया, राइट। अब क्या किया कि इस पी वन लोड को हम क्या करेंगे, रिलीव करेंगे, राइट। तो कुछ तो इसमें ये रॉक मास हमने यहाँ पे कैसी अज्यूम करेंगे, इन इलास्टिक, राइट। अगर रॉक मास इन इलास्टिक अज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये अनलोडिंग के टाइम पे सिमिलर अनलोडिंग के टाइम पे वही कर्व का पाथ जो है उसको फॉलो ना करके कुछ अलग पाथ फॉलो करेगा। जब अलग पाथ फॉलो करेगा तो इसमें कुछ डिफॉर्मेशंस जो हैं वो परमानेंट हो जाएंगे, राइट। जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल स्ट्रेन कहते हैं, राइट, रेजिडुअल स्ट्रेन। फिर फर्दर हम लोड इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे इसका कम सा डेल वन है तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट या सेटलमेंट कितना हुआ, डेल वन डैश, राइट। फिर फर्दर लोड इंक्रीज करेंगे, राइट, फिर यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा कितना आया, डेल टू डैश आया पी टू लोड पे। और जब पी टू लोड को हम रिलीव करते हैं, जब पी टू लोड को हम रिलीव करते हैं तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो कितना आता है, डेल टू डैश, ओके। फिर फर्दर लोड इंक्रीज करेंगे, इस तरह से हमारी साइक्लिक लोड चलता रहता है, राइट। इस साइक्लिक लोड में दो कर्व मिलते हैं, एक लोडिंग पे और एक अनलोडिंग पे। ये हमारा क्या कहलाते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ डिफॉर्मेबिलिटी, राइट। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं इस स्ट्रेस की असेंबली कैसी रहती है। डेड लोड प्लेटफॉर्म्स आर मेड अप ऑफ स्टील बीम्स एंड लोडेड विद कॉन्क्रीट क्यूब्स। हाइड्रोलिक जैक असेंबली कैपेबल होती है किसके लिए, स्ट्रेस रिलीफ इंक्रीमेंट के लिए। जो भी हम ये सेटलमेंट को मेजर करते हैं वो किससे करते हैं, डायल गेज होते हैं, कौन से, प्रिसाइज डायल गेज, जिसका लीस्ट काउंट हम कितना अज्यूम करते हैं, 0.01, राइट। जो असेंबली होती है वो कुछ इस तरह से होती है, यहाँ पे ये कंक्रीट के क्यूब्स हो गए, राइट, जो इस असेंबली इस स्टील फ्रेम्स के ऊपर रखे जाते हैं या स्टील के बीम्स के ऊपर रखे जाते हैं। यहाँ पे ये बोरो पिट्स है, इस बोरो पिट्स के अंदर यहाँ पे कहीं प्लेट होती है और उसके ऊपर हाइड्रोलिक जैक होते हैं और यहाँ पे हम डायल गेज पुट करते हैं ताकि हमारा यहाँ पे सेटलमेंट कितना हुआ है ये मेजर कर सके, ओके। डिफॉर्मेशन मॉडुलस कब मेजर करते हैं, रीलोडिंग के टाइम पे, इज एस्टिमेटेड फ्रॉम लोड रेस्पॉन्स ऑफ लास्ट लोडिंग साइकिल। इलास्टिक मॉडुलस इज एस्टिमेटेड फ्रॉम अनलोडिंग साइकिल, ओके। मतलब जो हमारे दो तरह के कर्व बनते हैं यहाँ पे, एक लोडिंग साइकिल पे एक अनलोडिंग पे, इसका जो स्लोप होता है वो हमारा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ डिफॉर्मेशन, और इसका जो स्लोप होता है वो क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। जो हम डिफॉर्मेशन और इलास्टिक मॉडुलस का जो रिलेशन होता है कर्वेचर में वो इस बोसिनेस इक्वेशन या बोसिनेस के फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे है द बोसिनेस सॉल्यूशन फॉर द पॉइंट लोड ऑन इनफाइनाइट होमोजेनियस आइसोट्रोपिक लीनियरली इलास्टिक मटेरियल के लिए जो इक्वेशन है डिफॉर्मेबिलिटी की, मॉडुलस ऑफ डिफॉर्मेबिलिटी की, वो क्या है, एम इंटू वन माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल इंटू पी अंडर रूट ए। यहाँ पे एम जो है वो जो हमारे बियरिंग प्लेट है हाइड्रोलिक जैक के नीचे वो सर्कुलर है या स्क्वायर शेप में है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सर्कुलर है तो उसके लिए हम 0.96 वैल्यू लेंगे, स्क्वायर है तो उसके लिए हम 0.95 की वैल्यू अज्यूम करेंगे, ओके। म्यू जो है वो हमारा क्या है, पॉइजन्स रेशियो है, ओके। पी जो है वो हमारा क्या है, इंक्रीमेंटल लोड है, ओके। ए जो है वो उस प्लेट का एरिया है, राइट, और डेल्टा जो है वो इंक्रीमेंटल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन जो होगा, राइट, डेल्टा वन डैश, ये इंक्रीमेंटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिफॉर्मेशन और सेटलमेंट ऑफ द बियरिंग प्लेट वन लोडिंग साइकिल इन सेंटीमीटर, ओके। तो इस तरह से हमारी असेंबली सेट की जाती है। ये हमारे क्या हो गए, प्रिसाइज डायल गेज हो गए, यहाँ पे ये हमारी बियरिंग प्लेट होगी, ये हमारा हाइड्रोलिक जैक हो गया और इसके ऊपर हम स्टील की बीम इस तरह से पुट करते हैं और इसके ऊपर हम कंक्रीट क्यूब्स लगाते हैं स्टैटिक लोड पी वन के लिए, देन फर्दर पी टू लोड के लिए, और ऐसे साइक्लिक लोड पे हम लोड डिफॉर्मेबिलिटी कर्व बनाते हैं, राइट। लोड डिफॉर्मेबिलिटी कर्व का हम कंपेयर करते हैं, जैसे हमारे पास ये दो कर्व है, राइट, लोड डिफॉर्मेशन कर्व ऑफ प्लेट लोड फॉर रेगुलर रॉक, एंड दूसरा कर्व है लोड डिफॉर्मेशन कर्व ऑफ प्लेट लोड फॉर शियर जोन और फ्रैक्चर्ड रॉक कह सकते हैं। इन दोनों कर्व में देखेंगे कि इसकी जो स्ट्रेंथ है या फिर इसकी जो इन दोनों साइकिल के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू क्या है, कम है, राइट, और यहाँ पे क्या है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा है, राइट, ज़्यादा है।
मतलब क्या है कि यहाँ पे P1 लोड से P2 लोड इंक्रीज करने पे जो डिफॉर्मेशन हुए वो क्या हुए हैं, ज़्यादा हुए। जब डिफॉर्मेशन ज़्यादा हुए हैं तो उसका मतलब क्या है कि मॉडुलस ऑफ डिफॉर्मेबिलिटी कितनी है इसकी, ज़्यादा है। मॉडुलस ऑफ डिफॉर्मेबिलिटी ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि यहाँ पे इस रॉक मास के अंदर जब ये टनल एक्सकेवेट करनी है तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ज़्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराना है, रेनफोर्समेंट इन टर्म्स ऑफ शॉर्टक्रीट रॉक बोल्ट, वो ज़्यादा और ज़्यादा मजबूत प्रोवाइड कराना पड़ेगा। मजबूत कैसे प्रोवाइड कराएंगे, शॉर्टक्रीट में इसकी थिकनेस को हम इंक्रीज करेंगे, राइट। जो रॉक बोल्ट्स हैं इन रॉक बोल्ट्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो हम रिड्यूस कर देंगे ताकि हमारे पास ज़्यादा कन्फाइनमेंट, अच्छा कन्फाइनमेंट और कॉम्पिटेंट रॉक मास बना सके, राइट। इस तरह से हम इस टनल की पेरिफेरल को क्या करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं। तो ओके, तो ये हमारा प्लेट लोड टेस्ट का पर्पस हो गया। इसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं ये हमने देख लिया। ओके, तो ये हमारे फील्ड टेस्ट हो गए। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रॉक की जॉइंट जो होते हैं इनके बीच की क्या प्रॉपर्टी होती है, जॉइंट रफनेस कोफिशियंट्स क्या होते हैं, राइट, इनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।